अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरदान में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसा कि घोड़ों के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग मालूमात आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज जो हकायक घोड़ों के हवाले से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि 99% लोग ऐसे होंगे कि जो इन हकायक से वाकिफ़ होंगे। घोड़े तो आपने रखे होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये हकायक भी घोड़ों में पाए जाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस लाइक की वजह से आप तो घोड़ों की वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी आपके इस लाइक की वजह से वीडियो को देख सकें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो और मालूमात जो है हज़ारों लोगों तक पहुंचती है। तो आए सबसे पहले आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि नाज़रीन, घोड़ा हमेशा से इंसान का साथी रहा है और हर जंग में, हर खेल में घोड़े का इस्तेमाल इंसान करता रहता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो घोड़ा है वो इंसान की तरह अपने मुंह से सांस लेने के काबिल नहीं होता। घोड़ा जो है वो सिर्फ नाक से ही सांस ले सकता है और मुंह से सांस लेना घोड़े के लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि आपने बहुत से देसी घोड़ों के बारे में ये जरूर सुना होगा कि घोड़े के नथने जो हैं वो चौड़े होने चाहिए, और ये जो खसूसियत है ये अच्छे घोड़ों में तसव्वुर की जाती है, लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं होगी। वजह इसकी ये है, चूंकि घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले सकता तो उसके नथने जितने मोटे होंगे या चौड़े होंगे वो सांस आसानी से ले सकेगा और अपनी परफॉर्मेंस, चाहे उसको खेल के मैदान में, चाहे उसको डांस के मैदान में, या जो भी इंसान के मशक्लें हैं या जो भी इंसान की एक्टिविटीज़ हैं घोड़ों के साथ, उसमें घोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो घोड़ा अपने मुँह से सांस लेने के काबिल नहीं होता। परेशान हो गए ना? लेकिन जो अगला फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको मजीद परेशान करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि घोड़े अगर खड़े हैं तो मसलसल खड़े ही रहते हैं, और आपने घोड़ों को बैठे हुए या लेटे हुए बहुत कम देखा होगा। और एक बड़ी अहम और मशहूर कहावत भी है कि लोग कहते हैं घोड़ा लेटता नहीं है, लेकिन घोड़ा लेटता भी है, घोड़ा नींद भी पूरी करता है, लेकिन तरीका कार मुख्तलिफ है। आपको ये मालूम नहीं होगा कि घोड़े के जिस्म के अंदर एक स्टे ऑपरेटस पाया जाता है। ये लिगामेंट्स और टेंडन्स का एक ऐसा निज़ाम है जो घोड़े को उसकी अपनी टांगों को लॉक करने की सलाहियत रखता है। घोड़ा घंटों खड़ा रहता है, लेकिन उसने अपनी टांगों को इस निज़ाम के तहत लॉक किया होता है जो उसको गिरने नहीं देती, और घोड़ा खड़े होकर भी अपनी नींद को पूरा कर रहा होता है। लेकिन घोड़ा लेटता भी है, क्योंकि पूरे दिन के अंदर 2 से 2.5 घंटे घोड़ा लेट कर भी अपनी नींद को पूरा कर लेता है। अब ये हकीकत सुनकर आप बड़े हैरान होंगे, इंसान के कानों की समात और घोड़े के कानों की समात का क्या डिफरेंस है? घोड़े के कान इंसान के कानों की समात से ढेर गुना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इंसान के कान जो हैं उनको 3 मसल्स कंट्रोल करते हैं, और जो घोड़े के कान हैं उनको 10 मसल्स कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि घोड़ा जो है वो 180 डिग्री तक अपने कानों को घुमा सकता है और दूर दराज से आने वाली आवाज़ों को सुन भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। इसलिए बहुत से लोग घोड़े की सवारी को प्रेफर किया करते थे, चूंकि बहुत से दुश्मनदार लोग ऐसे हुआ करते थे जो घोड़े पर सवारी करते थे, और घोड़ा जो है वो दूर दराज से आने वाली किसी भी आवाज को, किसी भी हरकत को फौरी तौर पर महसूस करके अपने सवार को उसका पैगाम देता था, और जो सवार होता था वो ये जान लेता था कि घोड़ा जो है वो कोई ना कोई दूर से आने वाली चीज को महसूस कर रहा है, तो सवार जो है वो फौरन चौकन्ना हो जाता था। अब चलते हैं एक अगली हकीकत आपको मजीद बताता हूँ। घोड़े की आंख के बारे में कहा जाता है कि घोड़े की आंख मोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि घोड़ा 360 एंगल तक 360
360 डिग्री तक देख सकता है, लेकिन दो ब्लाइंड स्पॉट्स उसके दरमियान फिर भी होती हैं, क्योंकि दोनों आंखें एक तरफ दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ। लेकिन अगर आप घोड़े के माथे के सामने कोई चीज़ करेंगे, घोड़ा उसको बराह रास्त नहीं देख सकता। और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट उसकी कमर, उसकी दुम के पीछे अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो घोड़ा डायरेक्ट पीछे देखने के काबिल नहीं होता, उसको अपनी गर्दन को दाएं या बाएं मोड़ना पड़ता है, जिसके बाद वो जान लेता है कि उसके पीछे क्या है। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो घास घोड़ा खा रहा होता है उसे ये मालूम नहीं होता या वो देखने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट उसके माथे के सामने होता है, लेकिन घोड़ा 360 डिग्री तक देख सकता है। अगली जो मजे की बात है वो है घोड़े का रिएक्शन। इंसान जो है वो किसी भी चीज पर रिएक्ट करने के लिए सेकंड 1.6 सेकंड 1.6 सेकंड का टाइम लेता है, लेकिन घोड़ा किसी भी चीज पर रिएक्ट करने के लिए 0.3 सेकंड का टाइम लेता है। मतलब घोड़ा अपनी टांग मारने के लिए 0.3 सेकंड का टाइम लेता है और अपनी टांग जो है उसका रिएक्शन दे देता है। तो बहुत से लोग घोड़े की टांग से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि घोड़े के पीछे से ना गुजरा जाए, और असूल भी यही है कि कभी भी घोड़े के पीछे से ना गुजरे, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं होगा कि पलक झपकते ही आपको घोड़े की टांग लग सकती है। जिन लोगों ने घोड़े रखे हैं उनको तो मालूम होगा कि जैसे ही घोड़ी बच्चा देती है वो बच्चा फौरन चलना शुरू हो जाता है, और कुछ ही घंटों बाद घोड़े का बच्चा भागना शुरू कर देता है। इसके पीछे एक वजह है, वो वजह ये है कि घोड़ा चूंकि शिकार होने वाला जानवर है और जंगलात में रहता था, तो घोड़े को इतनी ताकत अल्लाह पाक ने दी है या उसके बच्चे को इतनी ताकत दी है कि वो फौरी तौर पर चल सकता है, और अगर कोई खतरा हो तो वो भागकर अपनी जान भी बचा सकता है। इसलिए ये ताकत घोड़े के अंदर पाई जाती है कि घोड़ा फौरी तौर पर रिएक्शन देता है और अपनी जान को बचाने के लिए वहां से दौड़ता है। अच्छा, अब जो आखिरी मजे की बात है वो ये है, क्या आपको पता है कि घोड़े के आबाओ अजदाद जो है वो 55 मिलियन साल पुराने हैं। 55 मिलियन साल घोड़े के आबाओ अजदाद जो है वो पुराने हैं, और घोड़े को घरेलू कब बनाया गया या घोड़े को पालतू कब बनाया गया वो 6000 साल पहले बनाया गया, क्योंकि इससे पहले घोड़ा जो है वो एक जंगलात में रहने वाला जानवर था। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि घोड़ा अपनी खुराक खुद से हासिल करता था, अपने मिनरल्स को पूरा करता था, मतलब कि घास के अलावा जिस जिस चीज़ की घोड़े को ज़रूरत होती थी वो उसको खाता था और अपनी ज़रूरियात, जिस्म की ज़रूरियात को पूरा कर लेता था। लेकिन 6000 साल पहले घोड़े को पालतू बना लिया गया, बांध लिया गया, अब घोड़े को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये तो थे घोड़े के हवाले से अहम तरीन हकायक। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ घोड़े के गोश्त के हवाले से कि घोड़े का गोश्त हलाल है या हराम है। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई खच्चर के हवाले से कि खच्चर जो है वो अपनी नस्ल जो है वो आगे बढ़ा क्यों नहीं सकता, वो भी बड़ी अहम तरीन वीडियो है। और उससे पहले एक और वीडियो बनाई है, और बल्कि वीडियोज ही वीडियोज़ हैं जो कि घोड़ों के हवाले से हैं। हमारे चैनल पर जाएँ और वीडियोज़ को देखें और लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ये वीडियो जो है हजारों नहीं लाखों लोग देख सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।